मीनल, मैं पता है पुराने हमारे जो एल्बम्स थे ना वो देख रही थी। हाँ वही फोटोज, तेरी मेरी विभू की, सारे फ्रेंड्स की। क्या दिन थे मीनल, याद है तुझे? विभू कितना हैंडसम लगता था ना। कैसे मरती थी लड़कियाँ उस पर, कितना स्टाइलिश था। हाँ हाँ मैं तो थी स्टाइलिश। काश कोई ऐसी मशीन होती कि हम फिर से उन दिनों में वापस जा सकते। आई मिस दोज डेज। चल आई कॉल यू बैक लेटर। ओके बाय। कॉफी क्या गप्पे लगाई जा रही है? कौन से दिनों में जाने का मन कर रहा है आपका? कॉलेज के दिनों में। तुम तो कॉलेज के दिनों में जी रही हो यार। कहाँ, 5-6 सालों से लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, बिल्कुल रूटीन लाइफ। वही ग्रूमिंग क्लासेस, वही तुम, वही मैं, पड़ोस में वही चेहरे। तो प्लास्टिक सर्जरी करके लोगों के चेहरे बदलवा दें? यार बेबू तुम हमेशा बेतुकी बातें करते हो। यार बेतुकी बात मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो यार? I mean, कॉलेज के दिनों, are you out of your mind? हेलो दीदी। हाय अंकल। सुन लिया? अंकल हो गए वो अंकल, वही रूटीन लाइफ जी जी कर। सुबह उठेंगे ऐसे ऐसे आलसी की तरह चल देंगे आवारा गर्दी करने, फिर बोलेंगे आई एम सॉरी। घर वापस आएंगे और बहस करेंगे अन्नू। तो क्या करूं, छत पे चढ़ जाऊं, ढोल पीटूं? या फिर वो फिर भी चढ़ के कवाली गाऊं? जिस तरह की जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उस तरह की जिंदगी जी रहा हूं। रूटीन लाइफ तो जानवर जीते हैं विभू, जानवर। अब हम में और जानवरों में क्या कोई फर्क ही नहीं है? अच्छा तुम बता कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ओके। मैं अपने कॉलेज के दिनों में वापस जाना चाहती हूँ। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, तुम्हें एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। यार तुम भी ना कैसी बेतुकी बात कर रही हो कि कैसे पॉसिबल है अब कॉलेज के दिनों में वापस जाना? वो सिर्फ महसूस करना होता है, यू जस्ट हैव टू फील यंग। ये क्या तोते पाल रही हो तुम यार? मैं अपनी रूटीन जिंदगी से बोर हो गई हूँ बस। मुझे मेरा वही कॉलेज वाला हैंडसम चार्मिंग विभू चाहिए, जिसे लड़कियां देखकर ये ना बोले हेलो अंकल। जिसे लड़कियां बोला करती थी हे ड्यूड व्हाट्सअप। उन दिनों में हे ड्यूड व्हाट्सअप नहीं था बाय द वे। ठीक है ना, जो भी है तुम जाओ अलमारी में से पैसे निकालो और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदो और कॉलेज बॉय बनकर ही अब मेरे सामने आना, वरना मेरे सामने मत आना। बाय दीदी। बाय अंकल। ये छेड़ रही है मुझे, ये छेड़ रही है मुझे तो लौंडिया। आ गई हूं मैं, वही बोरिंग लाइफ, वही चंड सहेली, वही विभू, वही पड़ोसी, वही रोजमर्रा की चीजें। तो बोर हो गई अपनी लाइफ से। भाभी जी घर पर हैं? नमस्ते भाभी जी। तिवारी जी बहुत हो गया अब ये भाभी जी नमस्ते। भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी ऐसी हैं, भाभी जी वैसी हैं। यही जुमला रोज रोज सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। आप वही चेहरा लेकर आ जाते हैं हर बार। जी भाभी जी। आप अपनी शक्ल आईने में देखते हैं या नहीं? हम तो आईने में सिर्फ आपकी शक्ल देखते हैं भाभी जी। क्या बोला आप? मतलब देखते हैं भाभी जी, अपनी शक्ल देखते हैं आईने में। आप रोज रोज वही शक्ल देखकर बोर नहीं हो जाते? बी ग्रेट साउथ इंडियन फिल्म हीरो की तरह मोटी मोटी मूछे, मोटे लेंस के चश्मे, तेल में लितड़े हुए बाल। बोर नहीं हो गए आप अपनी शक्ल से? ये हमको समझे नहीं भाभी जी। तिवारी जी अपने आप को बदलिए, चेंज कीजिए, लौट जाइए आप अपने कॉलेज की दुनिया में। ओ कॉलेज तो आप गए नहीं होंगे, स्कूल तो गए हैं जी भाभी। लाजवंती पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते थे। है ठीक है, जिस भी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल की दुनिया में लौट जाइए।
हाँ, पुराने दिन दोबारा ताजा कीजिए। मैंने तो विभू से कह दिया है कि वो अपने कॉलेज की दुनिया में लौट जाए और मैं भी अपने कॉलेज की लाइफ को फिर से जीने वाली हूँ। कॉलेज जाती हुए आप बिल्कुल अभिनेत्री साधना की तरह लगेंगी भाभी जी। मेरे महबूब जी, फिर वही बातें। मैंने कहा ना कि इस तरह की बातों से मैं बोर हो गई हूँ। ये प्रेजेंट की बातें मत कीजिए आप मुझसे। एक्चुअली आप ये जो अपना प्रेजेंट का चेहरा है ना, वो भी मेरे सामने लेकर मत आइए। मतलब भाभी जी के सामने आने के लिए अब हमें स्कूल के दिनों में वापस जाना पड़ेगा? मतलब वही हाफ पेंट, वही बैग टांगकर भाभी जी के सामने आना पड़ेगा? काश कि भाभी जी हमें स्कूल बॉय समझकर एक पप्पी दे दे तो वह जीवन सफल हो जाए। दूर से खिला ले, काट खाए गो। सक्सेना भैया जी, हमने सुनो है तुमने स्कूल खोल लियो है। हाँ बिल्कुल सही सुना है लौंडे। असल में क्या है ना कि बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक शिक्षक दबा हुआ है। तो भैया ये जो शिक्षक है ये इतने दिनों बाद उछल के बाहर कैसे आ गए? गुड क्वेश्चन। दरअसल मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में तुम्हारे जैसे अशिक्षित गंवार लोग जो है ना, वो पूरा देश का माहौल खराब कर रहे हैं, बहुत बर्बाद कर रहे हैं इस देश को। तो अगर इस देश को बचाना है तो बहुत जरूरी है कि तुम जैसे अशिक्षित गवार गधों के ऊपर शिक्षा की लगाम लगाई जाए। आप भूल रहे हैं सक्सेना जी, लगाम जो है वो घोड़ों की कसी जाती है, गधों की नहीं। भैया जी क्या बात कह दी तुमने, छा गए तुम। वैसे तिवारी भैया आप भी एक बात भूल रहे हैं कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं, मैं पागल हूं। और जो पागल होता है वो गधों के क्या शेर के ऊपर भी लगाम लगा सकता है। अच्छा सुनो लौंडो। सुनाओ। तुम दोनों रोजाना मेरे अनोखे लाल शिशु मंदिर में अपनी अशिक्षा का मैल धोने आओगे क्या? सक्सेना जी अब बिल्कुल धोने आ जाएंगे। क्या धोने आगे बे? अशिक्षा का मैल। आई लाइक इट। सक्सेना जी आपने कोई स्कूल वूल खोला है क्या? हाँ भैया बिल्कुल खोला है। यहाँ से ठीक ऐसे आगे जाएंगे ना तो वो जो चौक है ना, चौक से 100 मीटर पहले रोड पे ही है, बोर्ड लगा हुआ है अनोखे लाल शिशु मंदिर। तो ये लौंडे जो है ये किस एंगल से आपको शिशु नजर आ रहे हैं जिन्हें जिनकी अशिक्षा का मैल आप धोने जा रहे हैं? भैया ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी अशिक्षा है वहां एक शिशु है। मुझे तो अभी आपके अंदर भी एक शिशु नजर आ रहा है। हमारे अंदर भी? हाँ। अच्छा अगर आपको हमारे अंदर भी शिशु नजर आ रहा है तो ठीक है, फिर हम भी कल आते हैं आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने। आई लाइक इट। आइए भैया आइए, पक्का आइए, बहुत मजा आएगा। Make some noise for the Desi Boys.
डूड एक कप गरम चाय। हाय गाइस। विभूति भैया ये काल बना रखो है। मैं भैया नहीं हूं मोटे अंकल। और मैं आपसे उम्र में कितना छोटा हूं। लुक एट योरसेल्फ। टीका तो को अंकल बोल दियो। खैर कोई फर्क ना पड़तो, तू शकल से लगता भी अंकल जैसो है। ये क्या ड्रामा रचा रखा है भभूति जी आपने ये? ओल्ड अंकल, जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेक अ चिल पिल। अरे भाई चाय। या ओह थैंक यू सो मच। सबको चाय पिलाओ भाई। इट्स टू स्वीट फॉर माय लाइकिंग। Not liking it. God. Bye, guys. Catch you later. Right? Make some noise for the Desi Boys. चचेरे भैया, ये मोहल्ले में ना सिर्फ एक आप ही पागल नहीं हो। I like it. आज तो लगता है कोई बस ही नहीं आने वाली। ऊपर से कॉलेज का पहला दिन है, क्लास में लेट हो जाऊंगी तो पापा मेरी क्लास ही ले लेंगे। Excuse me, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। Excuse me, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। बस अब पे देगा तुझे पहली बार, धक्के में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, समझ मत इसको बकवास क्या। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। मैं पहले से शादी कर रहे। सनी, मेरे लिए कॉफी बोल कैंटीन में। गुड मॉर्निंग सर, आई सी इन क्लास। हाय। हेलो, मैंने कहा हेलो। मैं अजनबियों से हेलो नहीं करती। आपने क्या कहा? अजनबियों से क्या नहीं करती? हेलो। हेलो, माय सेल्फ रॉकी। आप रॉकी हैं या टॉमी हैं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। लेकिन अभी तो आपने हेलो कहा ना। मैंने नहीं कहा। अभी आप ही ने तो कहा हेलो। मैंने कहा ना कि मैंने नहीं कहा। देखिए आप मुझसे बात भी कर रही हैं। पहले कभी देखा नहीं आपको इस कॉलेज में? नहीं आई है क्या? क्यों, कॉलेज की सारी लड़कियां आपको राखी बांधती हैं जो आपको सबकी शक्लें याद है। एक्चुअली कॉलेज की लड़कियां मुझे राखी बांधने से बेटर सुसाइड करना पसंद करेंगी। ओ तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। जी नहीं, मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता, बल्कि लड़कियां मुझे स्मार्ट समझती हैं। लड़कियां आपको चने के झाड़ पर चढ़ाती हैं और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। एक्चुअली मैं चने के झाड़ पर चढ़ता नहीं, बल्कि मुझे चने खाने का शौक। चने? मैं अजनबियों के चने नहीं खाती। आप ही कमाल करती हैं मिस चारुलता। चारुलता बड़ा मॉडर्न, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अब देखिए ना, हम अजनबी कहाँ रहे। मैं आपका नाम जानता हूँ, आप मेरा नाम जानती हैं, अब तुम दोस्त हो गए ना, वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, आप सारी लड़कियों से दोस्ती करते हैं? लड़कियां हमसे दोस्ती करने के लिए तरसती हैं। आपकी क्लास की दो तीन लड़कियां भी यू मीन बीकॉम फर्स्ट ईयर की लड़कियां? देखिए हमें ये मालूम पड़ गया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आपकी बगल वाली क्लास, बीकॉम सेकंड ईयर। कितने सालों से? 5 सालों से। आप वैसे बहुत चेपू हैं। आप बहुत दिलचस्प हैं। आप आवारा हैं। आप हसीन हैं। आप छलियां हैं। आप गुलाब की कलियां हैं। आप धतूरे के बीज हैं। और आप गुलाब का फूल हैं। उफ, मुझे तो लगता है कि आज बस ही नहीं आएगी। विभू, एक ना यहाँ पर गाना भी कर लेते। कर लो भाई, वो भी कर लो, जब इतना कर लिया तो भी कर लो। मूड मूड। हर पल बुलाता था।
कहता था चुप कर कोई आता है हलचल मचाता है अच्छा तो वो तुम हो। पर बात कर दिया सारा ने कभी ये पहन कभी वो पहन वे यार ये टाई भाई कमबख्त कैसे बांधी जाती है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अबे टिल्लू कहाँ मर गया जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ सेठ जी क्यों छेल रहा हो इतना। जे क्या नया ड्रामा सेठ जी पागल हो गया क्या। ज्यादा बकवास मत कर हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। हाय राम स्कूल की तो किस्मत फूट गई। सच्ची कह रही हूँ सेठ जी स्कूल की एक एक ईंट अपने आप को कोस रही होगी कि स्कूल इसी दिन के लिए बना था कि ऐसे बेढंगे लोग स्कूल में पढ़ने आएंगे। ज्यादा बकवास मत कर और अपनी कतरनी जैसी जुबान बंद रख नहीं तो जुबान खींच के उसी की टाई बांध देंगे तेरे गले में समझा। टाई बांध देंगे टाई बांध देंगे। मैं खुद तो पहनी ना जा रही तुम हमें क्या खाक टाई पहना हुए। जाती है कि बेवानी मुझे। अरे सेठ जी ऐसी टाई आती है कि तुम याद रखोगे। अच्छा अच्छों को टाई बनाई है मैंने। जरा बांध दे बेटा हमें जरा बांध। अभी लो चुटकी में सेठ जी मैं तो एक्सपर्ट हूँ उम्र गुजर गई टाई बांधने में। अभी लो अभी ये अरे किसने डाल दिया अंदर को ये ऐसे डालेगा यहाँ से चलिए यूं आई और प्यार से ऊपर को जाएगी ये गई धीरे धीरे ऊपर आ रही है आई और ये गला ही दबा रही था सेठ जी। क्या बकवास कर रहा था मैं क्या बोला। अरे सेठ जी तुम भी ना। अरे मैंने जिंदगी में खुद तो कभी टाई पहनी ना तुम्हें क्या खाक पहना था। अबे तू पर काय बोला कि टाई पहना नहीं आती है। वो तो मैं मजे ले रहा था। अरे इन बातों को छोड़ो मुझे ये बताओ कि ये नया ड्रामा क्या है तुम्हारा ये स्कूल स्कूल खेल रहा उसके पीछे राज क्या है। ठीक है सेठ जी मत बताओ मुझे खुद पता लगा लूंगा मैं। जा रही हूँ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आप सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आप सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए एक मिनट सर ये सदाचार का है तो है टीका जैसे आम का चार होता है ना वैसी सादा चार होता है। अरे वो सादा चार नहीं होता है सदाचार होता है सदाचार। तो ये सदाचार को मतलब क्या है तो है सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। मास्टर जी अजय आचरण का हो तो है आचरण मतलब बिहेव बिहेव। मास्टर जी फिर सीधा सीधा बताओ ना कि बिहेव हो तो है काई कुरा था फैला रहे इतना। अनुशासन में रहो मेरी क्लास में अनुशासन। टीचर अब ये अनुशासन का है तो है जैसे दुशासन हो तो है ना वैसे अनुशासन हो तो है। तुम लोग एक नंबर के गधे हो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ इंसान बना के छोड़ूंगा तुम लोगों को। पढ़ो 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 चलो तीन नंबर निकालो। तीसरा पेज सब लोग तीसरा पेज निकालिए। मैं पढूं? हाँ नहीं क चलो क से कंगला नहीं मैं ना बोलूं। ए ए ए ए इधर लौंडे इधर। आपने स्कूल सड़क पे खोल दिया सक्सेना जी। वो छोड़ पहले ये बता लौंडे लेट क्यों आया तू। वो घर में पानी लेट आया था। पानी तो मेरे पास भी नहीं आता नहाता नहीं मैं भी नहीं नहाया हूँ बहुत दिन से एक महीने से नहीं नहाया हूँ मैं पता है तुझे। तभी गऊ मास्टर जी सड़ान सी आ रही।
मुर्गा बन, मुर्गा बन। नहीं आज पहला दिन है सक्सेना जी, मास्टर जी तो जरा माफ कर दीजिए। पहला दिन है इसलिए और जरूरी है ताकि आइंदा तू ऐसी गलती ना करे। मुर्गा बन, चल बन बन बन, यहाँ बन, बीच रोड पे बन तू। मुर्गा बन। लौंडे पिछवाड़ा ऊपर, चलो चलो चलो, इधर मत देखो, चलो पढ़ो। ऐ कैसे कंगला? आपने कहा था भाई जी स्कूल ज्वाइन कर लो, सो कर लिया है ना भाभी जी? Excuse me, अंकल, मैं भाभी जी नहीं हूँ। चारुलता जल्दी करो, हमें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी। I like it.